ਸਸਰੀਕਾਲ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਿਕਸ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬੇਸਣ ਦੇ ਬੂੰਦੀ ਵਾਲੇ ਲੱਡੂ ਬੇਸਣ ਦੇ ਬੂੰਦੀ ਵਾਲੇ ਲੱਡੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਬੇਸਣ ਲਿਆ ਬੇਸਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ 2 ਕੋਲੀਆਂ ਲਈਆਂ ਕੋਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2 ਕੋਲੀਆਂ ਬੇਸਣ ਦੀਆਂ ਬੇਸਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਣ ਲਿਆ 1.5 ਕੋਲੀ ਮੈਂ ਖੰਡ ਦੀ ਲਈ ਆ ਇਹੀ ਕੋਲੀ ਮੈਂ 2 ਬੇਸਣ ਦੀਆਂ ਤੇ 1.5 ਖੰਡ ਦੀ ਲਈ ਆ ते एक चमचा अपना हे रिफाइंड का लिया रिफाइंड पावे एक चमचा थोड़ा जहा कलर लिया लड्डू वाला रंग लिया मैं ये मग जो तो इलायची के दाने कट ले ते कुटी हुई काली मिर्च चार पांच मैं कालिया मिर्चा कुट लिया सीगियां ते इलायची के मैं हरी इलायची के दाने कट ले बाकी अपने मग जो है थोड़ा जहा बेकिंग पाउडर पावे सब तो पहला बेसन आपां दा घोल तैयार करते हैं बूंदी बनाने वास्ते इन्ना कप इहदे विच अद्धे तो भी चौथा हिस्सा चमचे दा इहदे विच आपां बेकिंग पाउडर दा पाउंगे हुण आपां पानी पावांगे इहदे विच ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹਲਾਈ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਚੱਲਾਂਗੇ ਪਾਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘੋਲਾ ਬੇਸਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਸਣ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਲ ਲਵਾਂਗੇ ये कोई गंढ नहीं होनी चाहिए बेसन आप चंगी तरह फेंट लिया तो अपन इस तरह का चाहिए ज़्यादा पतला भी ना हो ज़्यादा ये संघना भी नहीं होना चाहिए इस तरह डिगना चाहिए क्योंकि आप जो बूंदी पावे तो कड़ाही के अपनी बूंदी चंगी तरह बन सके लो जी तो बेसन तो आप तैयार कर लिया हम आप इधर कड़ाही रख दें कड़ाही ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਫਾਈਂਡ ਪਾਉਣੇ ਆ ਇਹ ਜਾਂ ਰਿਫਾਈਂਡ ਚ ਤੇ ਜਾਂ ਘਿਓ ਚ ਡਾਲਡੇ ਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਲੱਡੂ ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਈਂਡ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਧਾ ਡਾਲਡਾ ਘਿਓ ਪਾ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਲਡਾ ਘਿਓ ਥੋੜਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਫਾਈਂਡ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਚ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਡਾਲਡੇ ਘਿਓ ਚ ਤੇ ਕੱਲੇ ਰਿਫਾਈਂਡ ਚ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ तेल चेक करके देख रहे अपना तेल गर्म या नहीं गर्म हजे तेल अपना गर्म आ देखो बूंदी जी पाई से उपर आ गई है एक बार आप गर्म करके उस तो बाद थोड़ा जहा सेका घट कर दो जो बूंदी पानी हुई आप उदो सेक घट कर दो एक बार इन गर्म होना जरूरी है भाई आप एक बार बेसन फिर थोड़े चंगी तरह घोल लें कोई भी अपने घर इस तरह की झारनी हो आप उस बूंदी बना सकते हैं आप कड़छी ले लो या कौली ले लो उन्हें भी बना सकते हैं तो आप इस तरह हौली हौली पाई चलेंगे पा के बूंदी इस तरह हिलाती है चंगी तरह बहुत ही जल्दी बन जाती है बूंदी जी अपनी देखो कितनी वधिया गोल गोल बूंदी बनी है
बूंदी अपनी बन गई आपां बाहर कढ दिंदे आ। दवार तो आपां फिर इसे तरह ही पा लांगे ना। तुसी कोई भी कौली जां कड़छी लै लिओ उस दे नाल पायो। इस तरह थोड़ी थोड़ा पाई चलो घोल जिहड़ा बेसन दा ते बूंदी अपनी अपने आप ही थले डिगी जाऊगी। लो जी अपनी बूंदी सारी बन के तैयार हो गई है। देखो किन्नी वधिया गोल गोल बूंदी बनी है अपनी एक सार। तुसी ध्यान रखिया करो तेल आ जिहड़ा गर्म होना चाहिए ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। कई बार तुसी कह दिंदे साडी बूंदी बनी नहीं हैगी एक थां ते इकट्ठी हो गई। बूंदी एक तो बेसन का जिहड़ा घोल तैयार कर दे सही होना चाहिए। एक तेल है थोड़ा जिहा अपना गर्म होना चाहिए ठंडे तेल च कदे भी ना पायो। तो देखो बूंदी किन्नी सोहनी बन के तैयार हो गई अपनी सारी बूंदी आपां बना ली आ। तो हुण आपां इहदे लई चाशनी बनाउणी आ। चाशनी बनाउण लई आपां दो कौलियां बेसन दीआं लईआं सीगीआं ते डेढ़ कौली जिहड़ी आपां खंड दी आ। देखो डेढ़ कौली आपां खंड दी पाई आ। हुण पावांगे आपां पाणी एक फुल भर के कौली मैं पानी दे विच पाई आ। थोड़ा जिहा पानी उपर पाया सवा कौली तो भी घट पानी पाया आपां इहदे विच। डेढ़ कौली खंड दी ते सवा कौली तो थोड़ा जिहा घट पानी। हुण आपां चाशनी तैयार करदे आं। तो जी अपनी खंड फुर गई आ ते हुण आपां इहदे विच कलर पा देंगे लड्डू वाला जिहड़ा कलर रखिया सी आपां। चाशनी जिहड़ी आपां एक तार दी चाशनी नहीं बनाउणी दो तार दी नहीं बनाउणी। बस इहनूं आपां चेक करके देखांगे जदों अपनी चिप चिपी जी चाशनी बण गई ते आपां इहदे विच बूंदी पा देंगे। खंड खुरन तो बाद तुसीं दो मिंट तक एक चाशनी होर बनाउणी आ ते होर पकाउण नाल फिर थोड़ी चाशनी वधिया बन जूगी। चाशनी अपनी बन गई। देखो इस तरह चिप चिपी जी चाशनी बन गई अपनी। तो हुण आपां इहदे विच बूंदी पा दिंदे आ। बूंदी पा के आपां नूं चंगी तरह हिला दिंदे आ मिक्स कर दिंदे आ। बूंदी पा के आपां एक मिनट लई इहनूं सेक लवावांगे बस। तो उस तों बाद आपां कड़ाही नीचे ला दिंदे आ। तो जिहड़े मगज ते अपनियां लैचियां ते काली मिर्च कुट के रखी सी आपां उह पा दिंदे इहदे विच। बूंदी पा के आपां एक मिनट लई इहनूं सेक लवाया उपर ते हुण आपां कड़ाही नीचे ला ली आ ते आपां इहनूं ठंडा होण लई रखदे आ। उस तों बाद आपां इहदे लड्डू वटांगे। लो जी अपनी बूंदी ठंडी हो गई। लड्डू वटण लई अपनी बूंदी हो गई ठंडी ते जिहड़ी आपां चाशनी बनाई सी देखो चंगी तरह इह विच रच गई है। बिलकुल सही आ गई चाशनी जिहड़ी सीगी आपां बनाई ना इह वधिया ते ना इह घटी आ। तो हुण आपां इहदे लड्डू बनाउणे आ। लड्डू बनाउण लई मैं पानी लै लिया ते पानी नूं हथ लावांगे आपां थोड़ा जिहा। इस तरह पानी दा हथ ला ला के आपां लड्डू वटांगे। ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना थोड़ा जिहा निघा जिहा रखना इह वी आपणा जिहड़ा हथ आ उह लग जाए।
लड्डू तुसी अपनी मर्जी दे छोटा सैज वड्डा सैज जिवें वटना चाहुणे वट सकदे आ। इस तरह आपां गोल गोल सारे लड्डू वट लैणे आ। आप सारे लड्डू बना ले, देखो वट ले आप जी अपने सारे लड्डू बन के तैयार है बूंदी दे। देखो किन्ने वधिया बने आ, किस तरह के लड्डू बने, किन्ने वधिया सारे अंदर तिकर इहदे चाशनी जिहड़ी गई हुई है अजे थोड़े जिहे ताजे आ। तो जे साडी वीडियो वधिया लगी तो प्लीज़ साडा चैनल सबसक्राइब करिया करो, लाइक तो कमेंट करके सानू जरूर दस्या करो साडियां वीडियो थोनू किस तरह दियां लगियां। साडियां वीडियो देखने लई तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद जी।